पर आसीन सभी सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, और जो श्रोतागण सामने सुन रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम यहाँ एक ऐतिहासिक पुस्तक के विमोचन में शामिल हुए, और उसको मैं ऐतिहासिक क्यों कह रही हूँ क्योंकि आप अगर उनकी कृतियाँ देखेंगे कि जो उन्होंने कविताएं कही हैं, गाँव में जो अभी भी माहौल है, शहरों से वो पूरी तरह से नदारद कर दिया गया, भुला दिया गया, तो जो पिछला बीत जाता है वही हमारा इतिहास बनता है। इसीलिए ये पुस्तक हमें अपने इतिहास की तरफ याद दिला रही है कि हमने क्या खोया है, कितना इन कविताओं में कितना मर्म है और कितनी यादें हैं, मेमोरीज। तो इसीलिए मैं इसको ऐतिहासिक कह रही हूँ। और इसके अलावा मैं राजेश भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनकी पुस्तक के लिए। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। दीप्ति सिंह मेरा नाम है और अलीगढ़ के TR इंटर कॉलेज में और ऐसे ही विभिन्न कॉलेजों के अलावा जो कुछ क्लासेस भी मैं समर कैंप भी लगाती हूँ, जिसमें लड़कियों को या महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। सेल्फ डिफेंस यानी अपनी सुरक्षा करना, किन तरीकों से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं वो मैं सिखाती हूँ उनको। अगर कहा जाए तो जो नारी शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो भूल चुकी है कि वो एक दुर्गा माँ के रूप में भी हम नारी की पूजा करते हैं, वो भी नारी हैं लेकिन वो शक्ति स्वरूप है और हम वो शक्ति भूल चुके हैं। तो उसी शक्ति को मैं याद दिलाने का काम करती हूँ। और ताइक्वांडो सिखाती हूँ मैं। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है, आप सामान्य भाषा में जूडो कराटे से उसे समझ सकते हैं, जूडो कराटे, तो वही मैं सिखाती हूँ। और अब तक करीब 10,000 के करीब लड़कियों को मैं ये सिखा चुकी हूँ और अभी भी वो प्रोसेस कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मेरी जो शिष्याएँ हैं वो भी प्रेरणा पाकर इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान दे रही हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, उपाधियां भी मिल चुकी हैं। अलीगढ़ रत्न जैसी उपाधि मुझे 2017 में हासिल हो चुकी है। तो ये सब सिर्फ इसलिए कि शक्ति जो नारी है, शक्ति स्वरूप है, वो अपनी शक्ति भूल गई है, उसे याद आए कि नहीं वो शक्ति स्वरूप है, उसे वो अबला नहीं है किसी मामले में ही अबला नहीं है, वो सबला है जी, वो सबला है तो एक बार मैं फिदान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद।